हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस में फ्रेंड्स हमें देखना ये है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया है और आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी। जैसे आपने कहा कि मैं ये काम करूंगा तो सब्जेक्ट का पता है, फ्यूचर की बात हो रही है तो मैं ये काम करूंगा तो आई विल डू दिस वर्क या आई शैल डू दिस वर्क। आजकल ज्यादातर पता है आपको कि आई के साथ हमें विल यूज करते हैं लोग ज्यादातर। आजकल एक फैशन ट्रेंड में हो गया है, जैसे आपने कहा कि वह कल आएगा तो ही विल कम टुमारो। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे सब्जेक्ट का पता है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को पहले करना होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को पीछे भी बताया कि 3 गोल्डन रूल्स आपको याद रखना है। पहला ऑब्जेक्ट पहले होगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट पहले ले आए हम लोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे शैल और विल है, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब ऑफ कोर्स। उसके बाद हम लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली एक रूल बदलता है, और वो बदलता है, ये रूल बदलता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बी एड करना होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद बी एड करना होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखते हैं फिर से, ऑब्जेक्ट पहले है, शैल विल रहेगा, और यहाँ पे क्या एड करना है, बी, ठीक है। उसके बाद सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सब्जेक्ट को इधर अगर लाना है तो बाई आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन बाई और सब्जेक्ट की जरूरत जब ही पड़ती है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं। यहाँ पे तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट का पता न होने पर ही हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ रही है, पैसिव वॉइस की। सब्जेक्ट का अगर पता है, मालूम है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, किसने काम किया। लेकिन जब पैसिव वॉइस में डिस्कस करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होने पर ही पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कहा कि ये काम किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसे कल पकड़ लिया जाएगा, तो ऐसे सेंटेंस, उसे सजा मिलेगी, मुजरिम को सजा मिलेगी, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो वहां पर हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है, पैसिव वॉइस की। जैसे देखते हैं, हम कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। पहले देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है, कल उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कौन गिरफ्तार करेगा इसका पता हमें नहीं है, पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो कल उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव या पैसिव है, पैसिव में, क्योंकि सब्जेक्ट का पता नहीं है किसके द्वारा। हाँ, उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। कल बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है, कल उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ही के बाद क्या ऐड करना है, विल, ही विल, और उसके बाद हमें बी लगाना है, ही विल बी। अब वर्ब कौन इसमें, गिरफ्तार करना, तो अरेस्ट अगर है तो अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ही विल बी अरेस्टेड। और कल जो आने वाली बात हो रही है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, टुमारो, ही विल बी अरेस्टेड टुमारो, कल उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि कल उसे पकड़ लिया जाएगा तो ही विल बी कॉट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे है, मुजरिम को सजा मिलेगी दी जाएगी, तो यहाँ पे फिर क्या है, द कल्प्रिट, उसके बाद कल्प्रिट के बाद क्या ऐड करना, विल, द कल्प्रिट विल बी, विल के बाद ऐड करना है पैसिव वॉइस में भी, ठीक है, द कल्प्रिट विल बी। अब सजा मिलेगी, ये वर्ब कौन इसमें, सजा मिलेगी, सजा दी जाएगी, तो पनिश की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, पनिश्ड, द कल्प्रिट विल बी पनिश्ड, मुजरिम को सजा दी जाएगी, मिलेगी। अब किसके द्वारा, ये मुजरिम को सजा देने वाला सब्जेक्ट है जो उसके बारे में हमें पता नहीं है। अगर पता होता तो हम एक्टिव वॉइस में भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमें सब्जेक्ट का पता ना होने की वजह से ही हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ रही है एट लास्ट, ठीक है। एक कह लें कि हमारी मजबूरी कि नहीं भाई सब्जेक्ट नहीं है तो हमें पैसिव वॉइस ही यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट है तो ऑफकोर्स हम एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब किसके जरिए, ये पता नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो यू, अब यू के बाद क्या होगा, विल, यू विल, अब विल के बाद आगे हमें बी लगाना है, यू विल बी, ठीक है, यू विल बी। अब वर्ब चाहिए यहाँ पे, वर्ब को ना बता दिया जाएगा, तो अगर इन्फॉर्म है तो इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इन्फॉर्म, यू विल बी इन्फॉर्म, आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा, ठीक है। अब किसके द्वारा दिया जाएगा, ये हमें यहाँ पे जाहिर करने की जरूरत नहीं है, या फिर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीतने वाले को द विनर, उसके बाद विनर के बाद क्या ऐड करना, विल,
विल के बाद क्या है, बी। द विनर विल बी अ वर्ब चाहिए हमें, तो इनाम देना। अवार्ड अगर है तो अवार्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अवार्डेड। द विनर विल बी अवार्डेड, जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा, जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा। द विनर विल बी अवार्डेड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बच्चों को फरवरी से स्कूल भेजा जाएगा, बच्चों को फरवरी से स्कूल भेजा जाएगा, तो किसको स्कूल भेजा जाएगा, बच्चों को, तो क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन के बाद क्या ऐड करना हमें आगे, विल बी। वर्ब कौन है यहाँ पे, वर्ब क्या है, भेजा जाएगा, तो यहाँ पे सेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट। द चिल्ड्रेन विल बी सेंट टू स्कूल, कहाँ भेजा जाएगा, स्कूल भेजा जाएगा, तो चिल्ड्रेन विल बी सेंट टू स्कूल फरवरी से, तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम फेब्रुवरी, फ्रॉम फेब्रुवरी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव करना है तो हमें शैल विल के बाद नॉट लगाना बी से पहले। जैसे आपने कहा कि आपको नहीं बता दिया, बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, या आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, इसकी हम इंग्लिश क्या बोलेंगे, यू। अब यू के बाद क्या होगा, विल। यू विल नॉट बी कॉल्ड, यू विल नॉट बी इन्वाइटेड, आपको इन्वाइट नहीं किया जाएगा, आपको इन्वाइट नहीं किया जाएगा, आपको दावत नहीं दी जाएगी, आपको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, तो यू विल नॉट बी इन्वाइटेड। जैसे आपने कहा कि ये काम नहीं किया जाएगा, दिस विल नॉट बी, दिस वर्क विल नॉट बी डन टुडे। जैसे आपने कहा कि घर की मरम्मत नहीं होगी, तो द हाउस विल नॉट बी रिपेयर्ड। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे नेगेटिव करना हमें, तो शैल विल के बाद नॉट ऐड करना है, फिर उसके बाद बी रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव करना है तो हमें शैल विल को पहले करना है, बी अपनी जगह पे जैसे है वैसे रहेगा। जैसे मैंने कहा क्या आपको दावत दी जाएगी, क्या आपको आमंत्रित किया जाएगा, तो यहाँ पे विल को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव करने के लिए। विल यू बी इन्वाइटेड, क्या होगा, विल यू बी इन्वाइटेड, क्या आपको इन्वाइट किया जाएगा, क्या आपको दावत दी जाएगी। आप देखें विल को मैंने पहले करा है, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, बी अपनी जगह पर है। विल यू बी इन्वाइटेड, क्या आपको इन्वाइट किया जाएगा। जैसे आपने कहा कि क्या इस मैटर को डिस्कस किया जाएगा, क्या इस मैटर को डिस्कस किया जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, विल को पहले करेंगे। विल दिस मैटर आगे बी लगाना है, विल दिस मैटर बी डिस्कस्ड, क्या ये मैटर को डिस्कस किया जाएगा। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि विल को पहले करा, फिर ऑब्जेक्ट रहा, फिर उसके बाद बी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐड करना है तो इसी के पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐड करेंगे। जैसे आपने कहा कि उसे क्यों बुलाया जाएगा, उसे सजा क्यों मिलेगी, या उसे सजा कब मिलेगी, तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी पहले हम यहाँ पे, व्हेन। ठीक है, व्हेन विल ही बी पनिश्ड, उसे कब सजा मिलेगी। ठीक है, व्हेन विल ही बी पनिश्ड, व्हेन पहले ऐड कर देना है, विल शैल को फिर उसे बाद पहले ऐड लाना है, और फिर बाकी बी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एज यूजुअल जो बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो रहेगी एंड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस करने के लिए हमें शैल विल का यूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बी की जरूरत पड़ेगी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कुछ सेंटेंस ले लें, जैसे आपने कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ठीक है, ही विल बी अरेस्टेड। जैसे आपने कहा कि आपको बता दिया जाएगा, तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड और टोल्ड। जैसे मैंने कहा कि आपको ये चीज भेज दी जाएगी, तो यू विल बी सेंट दिस थिंग। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जहां पे कुछ भी किया जाएगा, जैसे आपने कहा कि यार वर्ड्स डिस्कस किए जाएंगे, या प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यू है, यू विल बी टॉट, यू विल बी टॉट प्रोनाउंसिएशन, यू विल बी टॉट एवरीथिंग हियर, यहाँ हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, हिंदी विल बी टॉट, उर्दू विल बी टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट। तो ऐसे कुछ भी किया जाएगा तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड इस तरह के आप हिंदी सेंटेंस ले लें और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।